कार्यकर्ताओं के द्वारा चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का फोटो जलाया गया। रानी लक्ष्मीबाई तिराहा पर पुतला फूंका गया। चीनी सैनिकों द्वारा गलवान घाटी में भारतीय सेना पर धोखे से हमला का विरोध व आक्रोश जाहिर किया गया। शहीद हुए भारतीय सेना के वीर जवानों के सम्मान में जयकारे व नारे लगाए गए। भारत माता की जय वंदे मातरम पुष्पेंद्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में जिनपिंग के पुतला दहन में कई कार्यकर्ता साथ रहे। देशवासियों द्वारा एकजुट के साथ चीनी सामानों का बहिष्कार ही शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और साथ में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया गया। यह श्रद्धांजलि डाकखाने चौराहे पर मनाई गई। सभी ने रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर उनको सत सत नमन किया। पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, विजेंद्र सिंह, अनिल डेंगरे, धीरेन्द्र झा, उमेश तामकर, राहुल पांडे, वासु अभिषेक, राजावत एवं समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए मऊरानीपुर से संवाददाता नरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। आज हम लोगों ने आज महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया है यहाँ पर, और आज उनको सत्सन्मान किया है। और आज यहाँ पर जो चाइना के द्वारा जो कारतूस हरकत की गई थी, जो अपने सैनिक मारे गए उनके द्वारा, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अब भारत देश बदल चुका है। अब आप लोग समझ जाइए, अगर अभी नहीं समझे तो हम लोगों को मजबूरी में आंदोलन सभी लोगों को करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। और माननीय जो नरेंद्र मोदी जी हैं अपने, तो उनके नेतृत्व में हम लोग सभी लोग साथ में चलेंगे, वो आवाज़ उठाएंगे और उन लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद करेंगे। भारत देश में घुसना आप लोगों को नामुमकिन हो जाएगा। अनिल डेंगरे, आज आप लोगों द्वारा क्या किया? आज हम लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाया है, और साथ में जो चीन ने भारत पर जो हमला किया है जिसमें जवानों के शहीद 20 जवान शहीद हुए हैं, इसमें आज हम लोगों ने जो चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका हम लोगों ने पुतला चित्र यहाँ पे जलाया है, और साथ में ये चेतावनी दी है कि अगर ये लोग नहीं सुधरे तो हम लोग कायरता का व्यवहार इन लोगों ने हमारे भारतीय जवानों के साथ किया है, हम इनको जवाब भी दे सकते हैं पलटवार में। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हम लोगों को सलाह दी जा रही है कि हम लोगों को जो आत्मनिर्भर बनना है और खुद भारत के जो सामान बनाया जा रहा है वो सामान यूज करना है, तो हम लोग ये भी चीज़ कर सकते हैं। तो चीन को इस चीज़ से सबक ले लेना चाहिए कि भारत एकता की ओर जा रहा है, और एकता की ओर अगर जाएगा तो उनको बहुत भारी पड़ सकता है। और